गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टेट स्पेस एनालिसिस से देखा था, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने इसमें ये देखा था कि अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है तो उसको आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो प्रोसेस हमने क्या देखा था कि उसको हम पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ से फिर अपने स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स वन है तो वाई डैश क्या होगा, एक्स वन डॉट होगा, वाई डबल डैश क्या होगा, एक्स टू डॉट होगा। इस टाइप से हम लोग उसको अलग अलग स्टेट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर एक इक्वेशन हमारे पास, एक नहीं कुछ इक्वेशंस इस टाइप की हमारे पास आ जाती हैं, एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री एंड डॉट डॉट। और फाइनली इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब आपका एक इक्वेशन बनता है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, विच इज स्टेट इक्वेशन। और एक इक्वेशन हमारी बनती है वाई इज इक्वल टू एक्स वन से, जो हमने सबसे पहले माना था, उससे ये बनता है वाई इज इक्वल टू सी एक्स, विच इज आउटपुट इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन मिलाकर क्या बन रहा था, स्टेट मॉडल, है ना, स्टेट मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके पास हो तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम कैसे स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, मैकेनिकल नेटवर्क है, उसको हम कैसे स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कैसे उसका करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इज फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, लेट अस अज्यूम वी हैव अ नेटवर्क लाइक दिस इज आर वन, दिस इज एल एंड हियर आर टू, हियर वी हैव कैपेसिटर सी टू, हियर वी हैव कैपेसिटर सी वन, और नीचे रेफरेंस लाइन, इधर आपका आ गया इनपुट ई, ठीक है। और करंट यहां पर मान लिया क्या है, आई, ठीक। इस नोड का नाम हमने दे दिया बी वन, इस नोड का नाम हमने क्या दे दिया, बी टू, ठीक है जी। या ये कहें कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी वन और इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी टू। सो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर द नेटवर्क becomes V1 minus E over R1 plus C1 dV1 over dt plus I is equal to 0 and C2 dV2 by dt plus V2 over R2 minus I is equal to 0। तीसरी इक्वेशन आपकी आती है L di over dt plus V2 minus V1 is equal to 0। तो एक इक्वेशन आपकी इस नोड से आई, दूसरी इक्वेशन आपकी इस नोड से आई, ठीक है, और तीसरी इक्वेशन आपकी इस इंडक्टर से आई,
इन दोनों नोड के बीच से। और इस तरीके से तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन तीनों को अगर हम रीअरेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, डी वी वन ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वी वन ओवर आर वन सी वन माइनस आई ओवर सी वन प्लस ई ओवर आर वन सी वन। डी वी टू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वी टू ओवर आर टू सी टू प्लस आई ओवर सी टू। एंड द थर्ड वन विल बी डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू ओवर एन, वी वन माइनस वी टू ओवर एन। ठीक है, तो इनको रीअरेंज करके हमने ये इक्वेशंस बनाई। और अब अगर हम इनको स्टेट वेरिएबल मान लें, वी वन वी टू और आई को, वी वन वी टू और आई को अगर हम स्टेट वेरिएबल्स मान लें, तो वी वन इज इक्वल टू एक्स वन, वी टू इज इक्वल टू एक्स टू एंड वी आई इज इक्वल टू एक्स थ्री। तो यहां से क्या आएगा, वी वन डॉट इज इक्वल टू एक्स वन डॉट, यहां से वी टू डॉट इज इक्वल टू एक्स टू डॉट, और यहां से आई डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री डॉट। और अब इक्वेशंस, इन इक्वेशन से हमारे स्टेट इक्वेशंस क्या बनेंगे, देखो वी वन डॉट है तो एक्स वन डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स वन ओवर आर वन सी वन माइनस एक्स थ्री ओवर सी वन प्लस ई ओवर आर वन सी वन। फिर एक्स टू डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स टू ओवर आर टू सी टू प्लस एक्स थ्री ओवर सी टू। एंड थर्ड वन, एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू एक्स वन ओवर एल माइनस एक्स टू ओवर एल। और इससे जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे इन तीन इक्वेशन से, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो ये आएगा एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर वन सी वन, एक्स टू का टर्म नहीं है जीरो, एक्स थ्री का टर्म है माइनस वन बाई सी वन। यहाँ पे एक्स वन नहीं है जीरो, एक्स टू है माइनस वन बाई आर टू सी टू और एक्स थ्री है वन बाई सी टू। यहाँ पे एक्स वन है वन बाई एल, एक्स टू है माइनस वन बाई एल और एक्स थ्री नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस ई यहां पर है, बाकी कहीं नहीं है, वन जीरो जीरो वन ओवर आर वन सी वन जीरो जीरो ई। ठीक है, तो ये बन गया मैट्रिक्स ए, ये बन गया मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब आउटपुट हम किसको लेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जिसको भी हम आउटपुट लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है?